बैक टू माई YouTube चैनल एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज़ और एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और अभी मैं लंदन में मौजूद हूँ और आज मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। और मैंने सोचा आप यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो आपको मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊँ और वो इलाका भी दिखाऊँ अगर पॉसिबल हो सके। आज मैं जल्दी तैयार होकर निकल गया था यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैं ट्रेन पकड़ूँगा और ट्रेन से सीधा यूनिवर्सिटी। यहाँ रेलवे निज़ाम इतना अच्छा है कि आपको जो है कहीं पहुंचने में टाइम नहीं लगता, मतलब इजीली आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो जहां आपको जाना हो। चाहे आपको लंदन में ट्रैवल करना हो एक जगह से दूसरी जगह या आपको कहीं और ट्रैवल करना हो, सो ये बड़ी अच्छी बात है यहां की कि जो सर्कुलर रेलवे है जिसकी हम कराची में बात करते हैं वो यहां पे आपको मिल जाता है। सो मैं ट्रेन लूँगा और ट्रेन से जाऊँगा यूनिवर्सिटी। आपको मैं ट्रेन भी दिखाऊँगा यहां की और उसके अलावा फिर मैं यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा और कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या सीन है सारे वहाँ पे वो भी दिखाता हूँ। और अर्ली मॉर्निंग है यहाँ पे। ये मेरे पीछे टेस्को है। टेस्को यहाँ का एक अफोर्डेबल स्टोर है। यहाँ पे आपको सारी ग्रोसरी वगैरह जो है और मसाले वगैरह हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है और घर का सामान भी आपको जो है अफोर्डेबल प्राइस मिल जाता है। इसी तरह टेस्को के अलावा और भी यहाँ पर स्टोर्स हैं। ऑल्डी है, लिडिल है और कुछ और भी स्टोर्स हैं यहाँ पर जो एशियन स्टोर्स हैं। वहाँ पे भी आपको सारा सामान जो है बड़ा अफोर्डेबल मिल जाता है और कम रेट में मिल जाता है, मतलब आधी प्राइस में जो है आपको मिल जाता है, जो डबल प्राइस पे कहीं और होता है जहाँ पे आपको आधी प्राइस में मिल जाता है। तो अगर आप कभी भी यूके आते हैं तो आप टेस्को से शॉपिंग करें, लिडल से करें, ऑल्डी से करें और ये बड़े अफोर्डेबल स्टोर्स हैं। आपको ग्रॉसरी वगैरह जो है हर चीज़ आपको बड़ी अफोर्डेबल मिल जाती है। और अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी, फिर मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ और इस ब्लॉग को छोटा सा रखते हैं ताकि जो है आप लोग आराम से इसको देख सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर दें। तो मैं मौजूद हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे ट्रेन का वेट किया जा रहा है। और ये जो यूके है चलता ही अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है। यहाँ की ट्रेन, यहाँ की बसेस जो हैं यही चलाती हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो ट्रैफिक बहुत हो जाएगा रोड्स पे। जो है ना, लंदन एक बड़ा शहर है ना, फिर भी लंदन में इतना ट्रैफिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जो दुनिया की हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हर छोटे बड़े टाउन में रेलवे स्टेशन हैं, काफ़ी सारी ट्रेन जाती हैं, बसेस और काफ़ी सारी ट्रांसपोर्ट है जो लोगों को प्रोवाइड की जाती है ताकि जो है रोड पर ट्रैफिक कम हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। और मैंने आपको ट्रेन का सिस्टम है वो न्यूयॉर्क का भी दिखाया था, मैंने आपको बॉस्टन का भी दिखाया था जब मैं यूएस में था, लेकिन यहाँ का भी जो सिस्टम है वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज, बड़ा ही अच्छा है और टाइम पे आपको वो जो है अपनी मंजिल पे पहुँचा देता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बस ये है कि यहाँ पे आपको एक दो ट्रेन या दो तीन ट्रेन चेंज करनी पड़ती है अपनी मंजिल पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रैक्स हैं, 7-8 प्लेटफॉर्म हैं, 7-8 प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रेन जाती हैं, तो आपको अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए फाइनली ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। जैसे आप एयरपोर्ट पे ट्रांजिट करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रांजिट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इलाके हैं और हर जगह कोई ना कोई ट्रेन जाती होती है, तो ये है यहाँ पे। अभी मैं आपको ट्रेन में दिखाऊंगा जब मैं ट्रेन में बैठूंगा। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं ट्रेन में। वेलकम टू दिस सर्विस फॉर साउथ एंड विक्टोरिया, वी विल बी कॉलिंग एट शेनफील्ड, Billericay, Wickford, Rayleigh, Hockley, Rochford, Southend Airport, Prittlewell and Southend Victoria. तो ये है बिशप हॉल लेन जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है, एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी। सामने आप देख सकते हैं मेरी यूनिवर्सिटी ARU, एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटी का इलाका है जो है ना, यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस हैं।
ये है एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी और यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स हैं इन बिल्डिंग्स में, एजुकेशन, फार्मेसी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग। और यह है यहाँ का स्टूडेंट्स यूनियन जो यहाँ के इवेंट्स करवाता है और ओरिएंटेशंस और सारे फंक्शंस वगैरह जो है यहाँ पे होते हैं, जो कि स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइज करवाता है।